तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक विजडम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी 5A में जो नया अपडेट है ओरियो का 10.1.2.0 का अपडेट उसके बारे में। तो मैं इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो अपडेट आया है उसमें क्या क्या आपको चेंजेस मिलेंगे और क्या क्या आपको, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को कैसे जो किया मैनुअली जो है अपडेट करें अपने फ़ोन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रेडमी का 5A यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 9.1.2.4 का है और एंड्रॉयड वर्ज़न 8.1 है। उसके साथ ही गाइस जो कि है यहाँ पे आपको मैं कुछ चेंजेस वगैरह दिखा देता हूँ कि अगर आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलेगा तो क्या क्या चेंजेस में मिलेगा। तो वर्ड्स न्यू पे गाइस आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बीटा पे हूँ, तो आपको एक ओरियो वर्जन आपको देखने को मिलेगा इसमें एमआई का जो नया अपडेट होगा। ठीक है, तो ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है, उसको आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड किया उसके बाद आपने अपने फ़ोन सेटिंग में जाना है, सेटिंग में अबाउट फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन में सिस्टम अपडेट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ जाना है चूज़ अपडेट पैकेज में, चले गए। उसके बाद गाइज चूज़ अपडेट पैकेज में जाने के बाद आपने वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो फाइल डाउनलोड हुई हो, अगर एसडी कार्ड में है तो एसडी कार्ड में। ठीक है, तो जैसे कि फाइल वगैरह हो गई है तो गाइज इंटर में चलते हैं, अगर फाइल वगैरह हो चुकी है तो डाउनलोड्स में चलते हैं। डाउनलोड जैसे एमआई फ्लैश चला, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे ओके कर दूंगा तो फ्लैश हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं तो गाइज जैसे ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जिप फाइल है वो भी जिप फाइल होगी, कोई बात नहीं है, ओके किया तो ये अपडेट नहीं होगा। क्या बोलेगा, इट्स नॉट अलाउड अपग्रेड टू अनऑफिशियल रोम पैकेज। ये मतलब मेरी बारे में बोल रहा है, आपकी बारे में ये फटाफट आराम से हो जाएगा, आपने बस ये करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब बात करता हूँ फीचर्स के बारे में। फीचर्स गाइज आपको 8.1 का ऑडियो का अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी पैच लेवल मिलेगा आपको 1.1.19 का शायद, बाकी देखो कौन से डे का मिलता है। उसके साथ ही आपको यहाँ सेटिंग्स में दो तीन नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीपीएन आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एमरजेंसी SOS का ऑप्शन मिल जाएगा आपको और MI पे अकाउंट का ऑप्शंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये MI अकाउंट पे का ऑप्शन वगैरह भी मिल जाएगा आपको। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप एडिशनल सेटिंग में जाओगे, एडिशनल प्राइवेसी में जाओगे, यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर मोड का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उसके साथ यहाँ पे डिवाइस आईडी वगैरह का भी एक आ जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। एड सर्विस जो कि आप अगर बंद करना चाहते हो तो आप बंद कर सकते हो, ट्रस्ट एजेंट वगैरह ये पिछला ही है। इसके साथ तो और कुछ भी आपको अलग अलग देखने को आप मिल जाएगा, बहुत ही कुछ। यहाँ पे प्रिंटिंग का एक ऑप्शन जुड़ जाएगा, इसी के साथ ही एसेसिबिलिटी में आपको वही मिलेगा और यहाँ एसेसिबिलिटी में आपको गाइज यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप स्क्रीन को छोटा बड़ा या कुछ भी कर सकते हो अपने मैनुअली के हिसाब से। कलर करेक्शन कर सकते हो, कलर इन्वेजन कर सकते हो, ब्लैक ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा कि आप जो किया है फुल जो भी है कैसे ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, तो यही है रेडमी 5A का जो नया अपडेट आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये अपडेट है रेडमी का 5A का 10.1.2.0 का जो कि है ओरियो बेस अपडेट। तो यहाँ पे फुल चेंज लोग आपको ओरियो अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी पैच लेवल मिलेगा, कैमरा वगैरह फेस डिटेक्शन कैमरा ये वही अपडेट होगा। तो गाइज ऐसे ही दो लिंक होंगे नीचे, आपने इन दोनों में से आपने सिर्फ रिकवरी रोम पे क्लिक करना है। वैसे मैं रिकवरी रोम भी दूंगा तो आप रिकवरी पे क्लिक कीजिए, बस और कुछ नहीं है, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद।